धीरे धीरे माणा से दूरी बढ़ते हुए। इतनी इज्जत मत दो यार, पस्ती नहीं है भाई मेरे को। मैडम जी नमस्कार, कैसे लगा आपको? अच्छा, मैं इतना इंटरेक्ट ना नहीं कर पाता हूँ। राणा जी को रहा थम्बा थम्बा, सिगरेट वाले के सिगरेट से समझ ले, टॉफी खाने वाले टॉफी से समझ ले। पहाड़ी में कहावत है, काना तुए के चंद बुद्धू यहाँ का साना। तो भैया अभी भीम पुल से निकल गए हैं स्वर्गारोहणी के लिए, और मुझे लग रहा है ये भीड़ भाड़ ना यहीं तक रहेगी, इस गेट तक। ये गेट पहले नहीं था जब 2017 में आए थे, अभी गेट बन गया है। अब पता नहीं कब बना है, नया नवेला है अभी। इस पे मूर्तियों पे जो हाथी होती हैं उन पे हटाया ही नहीं गया वो फॉर्म वगैरह। पता नहीं इसको सतोपन ट्रैक दिखाया गया है, पता नहीं नदी कैसे क्रॉस करेंगे। ये बसुधारा ट्रैक है वैसे। ये मूर्तियां हैं इस साइड, ये भी ढकी हुई है, तो जब दोबारा आएंगे ना तब दिखेंगे ये। हाँ, और ये रेलिंग वगैरह पता नहीं क्या क्या काम, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ऊपर छतरी लगी हुई है, ये नई चीज़ है इस बार इस ट्रैक में। धीरे धीरे माणा से दूरी बढ़ते हुए, माणा गाँव से और बसुधारा से दूरी कम होते हुए बढ़ रहे हैं। लगभग 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का ट्रैक है एक्चुअल, तो मेरे को भी नहीं पता। एक बार पहले गया हूँ, उस बार का भी मैंने वीडियो कुछ डाले हुए हैं। 6 किलोमीटर है, दिखता तो ऐसा है कि सामने ही है बस, अभी पहुँचे तुरंत ही। तो काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं ट्रैक करके, और ज़्यादा भीड़ भाड़ यहीं तक होने वाला है, ज़्यादा ऊपर नहीं मिलेगा। सहजधारा का जो है ट्रैक रूट वो बहुत अच्छा बना दिया गया है, सीमेंट के साथ में पत्थरों की रुपाई करके इनको ऐसे लगा के। और पहले क्या था, खड़ंचा मार्ग था, तो वो क्या करता था पैरों को खाता था बोले तो, पैरों में चुभता था वो, ऐसे चल रहे ना तो बहुत चुभता था। तो अभी अच्छा ट्रैक बना दिया गया है, और सतोपंत का ट्रैक इधर से दिखा रहे हैं। पता नहीं यहाँ पे नदी क्रॉस करने का कहाँ पे है, इधर से मुझे कोई आइडिया नहीं। और हम लोग जब गए थे 2020 में तो इधर से गए थे इस साइड से, और सामने जो बुग्याल सा घास का मैदान नज़र आ रहा है उससे होते हुए, उस टाइम तो उसमें बहुत बड़ी घास थी, अभी तो सूख गई है। और फिर जहाँ इधर लेफ्ट हैंड साइड जो दर्रा जा रहा उसमें घुस गए थे, फिर वहाँ से सहजधारा। और ये इस टाइम हम बसुधारा जा रहे हैं, ट्रैक पे जा रहे हैं, और हमारे भाई साहब श्री रमेश सिंह रावत जी बिल्कुल मंदे मंदे कदमों से आगे बढ़ते हुए। भाई इतनी इज्जत मत दो यार, पस्ती नहीं है भाई मेरे को। कोई नहीं यार, हमारा फट जाए भाई, हमारे भाई साहब हमें देनी पड़ती है, क्योंकि जब बड़ा छोटे को इज्जत देगा तभी छोटा भी बड़े को देगा। बसुधारा यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर दूरी पे, और यात्रा बहुत भयंकर चल रही है। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत सुंदर व्यू। वैसे तो हम तो बहुत थक गए, परंतु अभी हम गस्तौली से आ रहे हैं। गस्तौली भी इतनी बर्फ़ पड़ रही थी, और बर्फ के साथ साथ वहाँ सांस की प्रॉब्लम। माना छोड़ दे उधर। अब ये जैसे ये भाई साहब ही हमारे रमेश सिंह रावत जी, और साथ ही हम इसको देख से दिखाते हैं माणा। मणिभद्रपुरम नाम से जाना जाता है ये माणा गांव, मणिभद्रपुरम गांव ये है। और वो गस्तौली के रोड, वहाँ से 30 किलोमीटर आगे गस्तौली है, वहीं से हम आ रहे हैं फिलहाल अभी। और हमने अपनी गाड़ियों को सामने खड़ी कर रखी है, ताकि हमने कहा चलो अब इधर का ट्रैक करते थोड़ा बसुधारा, क्या आते हैं भयंकर चढ़ाई भयंकर तो नहीं है, सिर्फ सांस की प्रॉब्लम हो रही है। बाकी ये देखो यात्री विगण भी आ रहे हैं, और जी नाता आपसे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। हाँ मैडम जी नमस्कार, कैसे लगा आपको बसुधारा? मेरे को तो अच्छा लगा। आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन बिलोंग उत्तराखंड से। अच्छा, बिलोंग उत्तराखंड से। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपको कि मतलब आप तब उत्तर देवभूमि में आ गए आप। हाँ जी, मतलब बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा ना, गुड, बहुत अच्छे। अच्छा भाई साहब आप कहाँ से? कलकत्ता से। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा है, इतना अच्छा बढ़िया नेचर कहाँ मिलेगा है, एक देवभूमि छोड़ छोड़कर कहीं नहीं मिलेगा। हाँ सही बात, सही बात है। चलो जय जय बद्री विशाल। बहुत बढ़िया। अच्छा भाई साहब, हाँ ये हमारे रावत जी जो धीरे धीरे आज से आगे बढ़ते हुए। यार देखो मैं इतना इंटरेक्ट ना नहीं कर पाता हूँ आम आदमी से, जो मतलब थर्ड पर्सन या अननोन आदमी से, इतनी जल्दी उल्टा मिलता नहीं हूँ, तो मैं इसलिए बातें भी नहीं करता हूँ। लेकिन भाई साहब का वो देखा मैंने,
ये भाई साहब मेरे से अच्छी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। अब यहाँ से मात्र मुझे लग रहा है 3 किलोमीटर दूरी पर होगा। और जैसे यहाँ बहन जी भी यहाँ से यात्रा करके आ रही है हमारी, और अच्छा ना ओ बहन जी कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? कोलकाता। कोलकाता से? कोलकाता के बहुत सारा आज रास्ते चढ़ ही रहे हैं अभी। अच्छा अभी भी बोल रहे 5 किलोमीटर बाकी है। नहीं 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 5 मिनट 4 बजे से था। नीचे से ही तो 5 बोल रहा था। हाँ नीचे से हमारा 5.5 है फिलहाल, 1.5 किलोमीटर से ऊपर तो लगभग आ गए हम। हाँ जी हाँ जी, ये चल रहा है सहजदारा का ट्रैक और सामने चल रहा है सतोपंत का ट्रैक। और उस टाइम कड़ंचा मार्ग नहीं था, उधर भी वो देख रहा हूँ मैं, वो जो घास का मैदान सा है हल्का ढलवा, वहाँ खड़ंचा मार्ग लगा हुआ। खैर इधर तो था, ये अभी भी टूटा हुआ वहाँ पे शॉर्ट सा, उधर ही से गए थे। तो अभी कुछ किलोमीटर आने के बाद ना जो सीमेंट वगैरह वाला मार्ग था वो हो गया ख़त्म। अब ये जैसे पहले खड़ंचा था वो मार्ग हो गया स्टार्ट। और इसकी लागत जो बोर्ड पे लिखी थी वो थी 25 लाख रुपए, 2019-2020 में बनाया गया है इसको। काफ़ी सारे लोग अभी भी ट्रैकिंग कर रहे हैं, मुझे लगा कि हम लोग काफ़ी लेट जा रहे हैं, बट काफ़ी सारे लोग हैं क्योंकि पार्किंग में भैया गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। 50 रुपीज़ चार्ज है गाड़ी का और हमने उससे 1.5 किलोमीटर पीछे है खड़ी, क्योंकि पार्किंग में लगाने के लिए मना कर देता हमारा। तो भैया गाड़ी भी तो हुई है। हाय भूसा गजब। हाँ वही ना, आदमी ढूंढने जा रहा पीछे तो अच्छा ज़्यादा दूर नहीं गया भाई। हाँ फिर तो और गड़बड़ हो जाती भाई, अकेला रहता ना, अकेला चला गया था चश्मा ढूंढने वापस। हाँ खोपड़ी पे चश्मा लगाए हुए हैं और भाई साहब भूल गए चश्मा खोपड़ी पे है, वो पीछे चले गए ढूंढने उसको। अभी रास्ता हो गया बिल्कुल, खड़ंचा भी हट गया, रास्ता हो गया कच्चा। तो यार वो 25 लाख लगेगा फिर, मुझे लगा कि सहजदारा तक बना रखा है, वो तो मुश्किल से 1.5 किलोमीटर रास्ता बनाया, वो हो गया। हाँ जी बताइए। ब्लैक शर्ट वाला लड़का है। ठीक है मैम, अब थोड़ा सा लेते हैं विश्राम। विश्राम करते हैं, बहुत ज़्यादा 2 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। राणा जी बोल रहा थांबा थांबा, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण ना थांबा थांबा होने लगा सांस। हाँ ऐसा लग रहा ना बिल्कुल, यहाँ पे ठंडी, हाँ मिंथॉल खाने के बाद लगता ना ठंडा, तो वो एक्सपीरियंस कर सकता है कि कैसा लगता होगा मिंथॉल के सिगरेट पीने के बाद। अच्छा सिगरेट पीने के बाद। हाँ भाई सिगरेट वाले के सिगरेट से समझ लें, टॉफी खाने वाले टॉफी से समझ लें। देख लो विक्स या मिंथॉल जो भी है, जिसको जैसे समझना वो उस हिसाब से समझ लें अपने अपने हिसाब से। हाँ बाकी कुछ लोग उतर रहे हैं कुछ लोग जा रहे हैं, घड़ी तो भूल गई यार ठंड में, क्योंकि इसकी बैटरी होगी डेड तो घड़ी में तो टाइम बस ऐसे हो रहा, टाइम क्या है, टाइम कुछ नहीं है। भाई हेलमेट भी इधर ही लेके आए हमारी तरह, क्योंकि हमारे पास कोई संसाधन नहीं था उस टाइम हेलमेट रखने का, तो वही होता है बाइक से जवाब, हेलमेट की बड़ी दिक्कत होती है। माना छूट गया, माना से दूरियां बढ़ रही हैं और बोझदार से दूरियां घट रही हैं धीरे धीरे करके, और सडन प्रोग्राम बन गया क्योंकि एक बार आया हुआ था 2017 में, तो ये था कि जाएंगे भी तो ठीक है नहीं जाएंगे तो ठीक है। राणा जी ने बोला, राणा जी भी इससे पहले एक बार आए हुए हैं, कि बोला चलते हैं, तो मैंने कहा चलो। ये वाली बात होगी अंधे तुझे क्या चाहिए दो आँखें, पहाड़ी में कहावत है काना तुए के चंद बुद्धू यहाँ का साना, तो वही है घूमने वाले को क्या चाहिए। तो चलो भाई हिंट देने की जरूरत, हिंट देने की जरूरत थी, राणा जी ने हिंट दी। हो क्या रहा है, एक पहाड़ी जैसे क्रॉस हो रही ना तो यूँ लग रहा बस इसके पीछे बस धारा है, लेकिन जैसे वो क्रॉस हो रही फिर दूसरी पहाड़ी नजर आ रही, तो अभी फिर से वहाँ दिखने लगा वहाँ जाना है। तो वैसे वैसे करके ना आदमी का क्या है मनोबल बढ़ने के बजाय टूट रहा है और घट रहा है,
हमारा तो नहीं घट रहा। खैर हम तो गाड़ी भी चलाते हैं तो भाई वही रहता है पंजा अपना जबरदस्त वाला। हाँ और अपने आप भी चलते हैं तो फिर भी पंजा वही रहता है कि भाई 120 वाला। ऐसा नहीं कि गाड़ी में कुछ और अपना पैदल चलते हुए कुछ और। गाड़ी भी उसी स्पीड से चलती है और जब अपनी गाड़ी चलती है 11 नंबर की तो वो भी उसी स्पीड से चलती है शरीर के मुताबिक। सामने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं, बर्फबारी, इधर भोजपत्र के पेड़ पतझड़ है टोटल, राणा जी भी लुप्त ले रहे हैं इधर। हाँ ये सामने और इधर बादल लगने लगे हैं। हाइट में क्या होता है कि शाम के टाइम बर्फबारी या बारिश होने लगती है। आज मौसम अच्छा रहा, मौसम ने साथ दिया, बस एक काम खराब हो गया, मेरे गोप्रो का लेंस कवर टूट गया मेरे पाँव के नीचे आने से और मेरी लापरवाही की वजह से। बाकी सारा अच्छा चल रहा है, पर चलो इतना सैक्रिफाई कर सकते हैं इस टूर के लिए, 1100-1200 रुपये या 1500 रुपये जितने का भी आएगा इतना सैक्रिफाई कर सकते हैं, चलेगा। मतलब चीज़ ली है तो टूट फूट होती है, गाड़ी ली है तो रास्ते में कहीं ठुक पिट गई तो काहे के लिए सर पकड़ के उसका दुखड़ा रोएं, क्योंकि ठीक तो करवाना है, दुखड़ा रोने के बाद भी ठीक करवाना है और नहीं रोएंगे तब भी ठीक करवाना है। तो उससे अच्छा है कि अपना जो चल रहा है उसको एंजॉय करें और जो नुकसान हो गया है उसको भी हो जाएगी भरपाई कहीं ना कहीं से हो जाएगी यार, क्यों भाई, जहाँ से आया वहाँ से भरपाई, और जहाँ से आया है वहाँ से भरपाई भी हो जाएगी, तो उसके लिए रोना नहीं है। स्वर्गारोहणी सतोपंत का जो ट्रैक देख रहा हूँ ना मैं, वो सामने जो जा रहा है जिगजैग, तो जब हम गए थे तो कोई भी रास्ता नहीं था, लोगों ने पत्थर रखे हुए, तो जाके पता लग रहा था, जो हमसे पहले गए होंगे तो जाके पता लग रहा था कि इधर से ट्रैक है। और इस बार मैं देख रहा हूँ कि अच्छा ट्रैक बना हुआ उधर भी। 2020 में सितंबर मंथ में गए थे क्योंकि बहुत अच्छी घास खिली हुई थी बुग्याल क्षेत्र में, अभी तो बिल्कुल सोना सोना हो गया। उस टाइम जो भेड़ पालक या बकरी पालक उच्च हिमालय क्षेत्रों में रहते हैं उन लोगों का भी यहाँ पे आसियाना था इस क्षेत्र में, इधर था और ठीक इस पहाड़ी के पीछे। जितने भी बाहर के लोग आए हुए ना तो वो यही पूछ रहे हैं कि बस कितना रह गया, तो सबका यही जवाब है कि बस 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, बस चलते जा रहे हैं। भाई दूसरी बार आ रहे हैं लेकिन रास्ता क्या हो जाता आदमी भूल जाता ना, तो यहाँ पे आके लगा कि बस थोड़ा सा है सुगम लग रहा था। भाई साहब की स्कूल की तरह जो हरिद्वार में है फिर से वो दुर्गम लगने लगा, वो नज़र तो आने लगा वो ज़ारा फॉल सामने, बट ये है जाने में अभी टाइम लगने वाला है, अभी आधा पौन घंटा एक घंटा और लगने वाला है। चलो बैठते हैं थोड़ा रेस्ट लेते हैं, दूसरा रेस्ट पॉइंट माना छूट गया, सामने नज़र आने लगा। निकालो पानी बोतल निकालो, लोग आ रहे हैं हम जा रहे हैं सने सने बस धारा की ओर बढ़ते हुए कदम। राणा जी का इंजन बोल गया, पानी मांग रहा, पानी भी रखा हो बैग में, ऐसी बात नहीं है, पर थोड़ा सा ना वाल जो है थोड़ा वाल बॉडी ढीली हो गई, मिस्त्री के पास ले जाना पड़ेगा आपको भी। पंप जो है पूरा नहीं खींच पा रहा, पंप पूरा नहीं खींच पा रहा ना तेल को, वही ना देखेंगे, वो ऑलरेडी चेक करवाएंगे आपकी। कल्याण इंद्रेश में जाना दून वहाँ